हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है आप सबके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आज हम आप सबको लेके चलते हैं मेरे मम्मी सुमित और मेरे साथ सीरमपुर और सारापुली के बीचे बीच जो बड़ो मारतला है, वहाँ पर आज है शीतला अष्टमी पूजा। तो आज है नवमी, नवमी के दिन हम जा रहे हैं। तो आप सबको मेला भी घुमाऊंगी, माता रानी को दर्शन भी कराऊंगी। और ये माता रानी बहुत जागृत माता रानी है, आपका मनोकामनाएं पूरी कर दे मैं प्रार्थना करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ब्लॉग पूरा देखने के बाद आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताना और लाइक ज़रूर करके जाना। और मैं प्रार्थना करूँगी अभी जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनका मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाए। मम्मी यहाँ पर बहुत इमोशनल हो गई थी और मम्मी रो रही थी, और अभी थोड़ा सा मम्मी को नॉर्मल करने के लिए मैं थोड़ी देर तक मम्मी के साथ थोड़ा सा बैठूंगी यहाँ पर। बैठने के बाद आंसू वगैरह पोंछेंगे, क्योंकि देखना आप मम्मी बैग से नैपकिन निकालेगी अपने आंसू पोंछने के लिए। देखो मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, मैं भी थोड़ा सा हो गई थी, लेकिन मैं खुद को संभाल लिया।
अभी मोमो की दुकान पे खड़े हैं, अभी हम खाएंगे चिकन मोमो। शुरुआत मेला में हम खाने से किया है, घुगनी से, घुगनी खाना हो गया। अभी बैठे हैं मोमो खाने के लिए। 5 पीस देते हैं 40 रुपीस का, और घुगनी हम खाए थे 10 रुपीस का। अभी तक कुछ खरीदा नहीं है, पहले पेट पूजा स्टार्टिंग किया है। और मेरे यहाँ पर कुछ मेकअप नहीं है, तो जो था वही पहन के मैं आ गई बस। और बहुत भीड़ है, अभी टाइम हो रहे हैं 7:15 हो रहे हैं। अभी हम खा रहे हैं मोमो, ये सुमित का मम्मी का ही सूट हो रहा है गरम तो। बहुत भीड़ है, वीडियो नहीं कर पा रही, इतना भीड़ है। आप देख सकते, हर किसी का सीढ़ी दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। और ये देखो जिलेबी की दुकान, गरम गरम नहीं, डाइट पे है, जिलेबी नहीं खा सकते। ये रहा मम्मी, और ये रहा सुमित, और सबसे पीछे मैं जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ आप सबके लिए। मेरा हालत देखिए, पूरा स्किन मेरा इतना स्वेट हो रहा है और काला भी हो गया। और पीछे सुमित गए हैं बिरयानी लाने के लिए, मैं इयररिंग्स सब कुछ खोल दिया, हेयर भी बंद कर लिया क्योंकि बहुत गर्मी है इसीलिए। और इतना भीड़ था ना, मैं ठीक से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई है। बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ही मीटअप हुआ, लेकिन बात नहीं कर पाई क्योंकि एक लाइन से जा रहे हैं, कोई रुक नहीं पा रहे ऐसा कुछ। चलो घर जाके बात करते हैं। अभी सुमित बिरयानी लेने के लिए गए, चिकन बिरयानी आज डिनर में होगा। और घर का खाना पीना बना के आए थे, लेकिन वो रख देंगे, कल खाएंगे। मम्मी तो बहुत मस्ती किया वहाँ पर, लेकिन इतना भीड़ में मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से मास्क मैंने कैरी किया था, लेकिन लगाया नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फ्रेंड आपसे मिली हूँ सुबह। कल रात को डिनर विनर करने के बाद फिर आप सबसे बात ही नहीं कर पाई क्योंकि घर आने के बाद थोड़ा सा टायर्ड हो गई थी। फिर बिरयानी लेके आए थे, बिरयानी खाया, और खाने के बाद फिर गप्पे सप्पे मम्मी के साथ मार रही थी। और सुमित घर नहीं आए थे, सुमित फिर से हम लोग को छोड़ के चले गए थे काम पर, क्योंकि रात के टाइम ना भाड़ा वगैरह होता है, तो इसलिए। रुको मैं कैमरे को स्टील करती हूँ, फिर बात करती हूँ। कल रात को सुमित हम मम्मी को और मुझे छोड़कर चले गए थे फिर भाड़ा काटने के लिए। और फिर सुमित आए रात के कितना बजे, 12:30 के करीब वो आए थे। फिर हम लोग बिरयानी गरम करके हम डिनर करके फिर सो गए थे। फिर ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी सुबह उठी, उठने के बाद घर का हर काम मेरा हो चुका है। और कल का मेला का एक एक्सपीरियंस पूछो तो मेरा एकदम ख़राब है, लेकिन मम्मी को बहुत अच्छे से मज़ा आया क्योंकि मम्मी उतना निकलती नहीं है। अकेला निकलना मम्मी को
डर लगता है रास्ता भूल जाएगा ऐसा। मेरा मम्मी अभी तक रास्ता ठीक ठाक से नहीं चल पाती है, और आपने देखा होगा पूरा मेला में मैं मम्मी के हाथ पकड़ के मैं चल रही थी, क्योंकि मम्मी ना खो जाती है, मम्मी को ये सब बातों से बहुत डर लगता है, इसीलिए मम्मी उतना बाहर नहीं निकलती अकेली, तो इसीलिए मैं लेके गई थी। और कोई पीती था तो पीती लेके जाती थी मम्मी को घूमने के लिए, घुमाने के लिए मैं भी लेके जाती थी, लेकिन अब ना मम्मी थोड़ा सा अलोन जैसे महसूस करती है, तो इसीलिए जैसे वैसा फील ना हो इसलिए मम्मी को लेके गए थे। सच बताऊँ मेला में ना कुछ खरीद नहीं पाई थी, बहुत दाम था, लेकिन सिर्फ मैं एक दीवार वाला एक पेंटिंग खरीदा है और एक नेकलेस खरीदा है, वो आपको इस वाले ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, मैं जब कभी पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। मुझे ये जानना है फ्रेंड आप सबको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, माँ शीतला अष्टमी का जो मैंने ब्लॉग शेयर किया आप सबके साथ, यानी कि आप पूरा जो वीडियो देखा आपको कैसा लगा, इसमें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, आपका कमेंट मैं पढ़ती हूँ और मुझे आप सबका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और क्या बताऊँ, आप सब बताना आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हो माँ शीतला अष्टमी का मेला, ये फेस्टिवल किस तरह से सेलिब्रेट करते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेकिन मम्मी को पसंद है ये सब घूमना वगैरह, और कल वाले एक ब्लॉग आने वाला है, मैं शाहरापुली जाऊंगी उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगी, तो वेट करना उस ब्लॉग के लिए, वो भी बहुत स्पेशल ब्लॉग है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।